के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल राउंडअप का रुख करते हैं। मंडी के जोगिंदरनगर में अब महिलाओं को दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें, 7 साल के बाद अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती कर दी गई है। वहीं डॉक्टर की तैनाती को लेकर के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। इन्वेस्टर्स मीट के बहाने कांग्रेस का जयराम सरकार पर निशाना। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि निवेश के नाम पर बीजेपी सरकार हिमाचल को बेचने का प्रयास कर रही है। मंडी की एकल नारी शक्ति संगठन ने अपने नाम के पौधे रोपे हैं। आपको बता दें कि मंडी के खलियार स्थित शनिदेव मंदिर के पास ये पौधारोपण किया गया और लोगों से अधिक पौधे लगा करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया गया। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में ओमेगा कंपनी के मजदूर 19 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पंखे बनाने वाली कंपनी ओमेगा के रातों रात बंद होने से मजदूरों में गुस्सा है। मजदूरों का आरोप है कि इस दौरान किसी भी मजदूर को कोई भी जानमाल का नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। पूरे प्रदेश में इन दिनों स्क्रब टाइफस अपना पांव पसार रहा है। राजधानी शिमला के IGMC में स्क्रब टाइफस से एक महिला की मौत हो गई, जबकि इस बीमारी से इलाके में करीबन 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में लगातार आसमान से आफत की बरसात हो रही है, तो वहीं पांवटा साहब में भी बारिश ने प्रशासन की पोल खोल करके रख दी। कुछ देर बारिश से शहर में कई हिस्सों में जलभराव हो गया और सड़कें तालाब बन गए। कांगड़ा रेप के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता ने मामले में पुलिस और दबंगों के ऊपर केस को दबाने का आरोप लगाया है। हालांकि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपों की तलाश जारी है। बिलासपुर में साइंस सुपरवाइजरों को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 9 जिलों के सुपरवाइजरों ने भाग लिया और उनको निर्देश भी जारी किया गया है कि वो अपने अपने जिलों में इको क्लब बनाने की तैयारी करें। चंबा में भारी बारिश के चलते कलरेल खंड के प्राथमिक स्कूल कंगेला पर एक पहाड़ी गिर गई, जिससे स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। घटना के पहले ही स्कूल से छात्रों को निकाला जा चुका था, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हमीरपुर शहर में C2 के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बाजार में रैली निकाली और मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मनरेगा में बजट की कटौती और श्रम कानून नियमों की अनदेखी करने के विरोध में रैली निकाली गई है। सिरमौर के अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने फ्रांस में होने वाली एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतने की उम्मीद जताई है। वे बोले कि भारत में 6 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, 26 से 27 अक्टूबर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इससे पहले बेंगलुरु में सभी प्रतिभागियों को 1 हफ्ते की कोचिंग दी जाएगी। कुल्लू में श्रम कानून में बदलाव की मांग को लेकर मजदूरों ने रैली निकाली। वहीं मजदूर संघ के महासचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों को 120 दिन का भी काम नहीं दे पा रही है, जिससे मजदूरों के सामने जीविका का समस्या उत्पन्न हो गई है। नालागढ़ के सनेर गांव के एक घर में बच्चा चोर गिरोह ने घर में घुसकर बच्चा चोरी करने की कोशिश करी। इस दौरान इस गिरोह ने परिवार पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग रात भर जाग करके पहरा दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला का पानी और सीवरेज प्लान अब वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शिमला जल प्रबंधन देखेगा। इसके तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसके चलते पेयजल और सीवरेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य नगर परिषदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पांवटा साहिब में पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ सख्ती अपनाए हुए है। माजरा पुलिस ने एक टीम का गठन करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 93 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। आरोपी से पूछताछ करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।